पास्ता का टेस्ट ठीक है, मैक्रोनी जैसा टेस्ट आ रहा है एकदम। इसको ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं, आग निकल जाएगी भाई आग। ठंडों में आओ तो आप इससे काफी देर तक तो हाथ सेक सकते हो, है ना शिल्पा? सच में बहुत गर्म है, पता नहीं इसने कैसे खा लिया गर्म गर्म। पैसे दिए ना, सारा खत्म करना पड़ेगा पता है। तो आज हम आए हैं करकटडूमा के पास एमसीडी वैन पे। चाइनीज वैन है, हमने सुना है यहाँ के स्प्रिंग रोल काफी अच्छे हैं, तो हम पहले स्प्रिंग रोल ट्राई करेंगे और देखते हैं मेनू के अंदर हमें कुछ और अच्छा लगता है तो वो भी ट्राई करेंगे। आप एक्साइटेड हो शिल्पा? बहुत ज्यादा, मैं तो खाने के लिए हमेशा एक्साइटेड होती हूं। क्या कहने वाली बात। और अगर आप मौसम देखेंगे तो मौसम काफी अच्छा है, ये चीज काफी हमें पॉजिटिव लग रही है कि मौसम अच्छा है। तो देखते हैं यार अभी बाद में धूप निकलती है नहीं निकलती, आसमान में तो काफी बादल है। और बाई चांस लास्ट वीडियो में भी हमारे जो मौसम था वो काफी ज्यादा बढ़िया था। ये हमारी किस्मत अच्छी है या पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर काफी अच्छे हैं, उनकी वजह से हमारा लक चल रहा है। सब्सक्राइबर ही बोल लेते अभी तो, वरना किस्मत भी बढ़िया है। तो भैया हमें एक प्लेट स्प्रिंग रोल और एक प्लेट पास्ता खाना है हमको। देखो आज कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और हम इस मौसम में खाने के लिए आए हैं। ओहो हो, तो शिल्पा कह रही है कि इसको कहाँ से, शिल्पा कहाँ से? बहुत प्यास लगी है तो पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। चलो यार यहाँ पे ये भी अच्छा है, पास में इनके पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है बट यहाँ सामने ही कोल्ड ड्रिंक की शॉप्स वगैरह है और इधर की साइड भी है एक, तो हमें तो जो पास पड़ेगा हम तो वहाँ चले जाएंगे। डिस्काउंट तो ये कोई देने नहीं वाला हमको, है ना? अगर डिस्काउंट मिल जाता तो भैया हम उसके पास ही चले जाते। तो शिल्पा कौन सी लेनी कोल्ड ड्रिंक? स्प्राइट लेनी है। आजकल मैं स्प्राइट ये पसंद करिए गरम। क्लियर है? पानवान तो कुछ नहीं लेना आपको? नहीं नहीं, पानवान की क्या जरूरत है? गुटका उटका कुछ, रात भर बाहर सुपारी नहीं भैया, एक स्प्राइट देना। अभी अब ट्राई दे एवर ये क्या है? 502 ओ पता का बीड़ी 502 हाँ। नहीं मैं बीड़ी नहीं पीता मैडम। ओके कभी ट्राई नहीं किया? ना कभी भी नहीं। आपने कितना दिया? 200 दिए मैंने आपको। लाइटर है यार जो पीना चाहे उसके लिए। वैसे यार मैंने गुटका वहाँ पे दिखा दिया बट आप खाना मत, अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, है ना? कभी आप कहो कि भैया इन्होंने वीडियो के अंदर तो गुटका प्रमोट कर दिया, ना तो मैं अजय देवगन हूँ ना मैं शाहरुख खान हूँ। प्रमोट नहीं कर रहे हैं उन्होंने, हमें अपनी एड में भी लिया। खुल गई आपसे? मुझे लगा था खोल नहीं पाओगे। नहीं विक्रांत भाई को तो गर्मी लग रही है इसलिए तो निकल ही नहीं रहा कार में से बाहर। क्यों गर्मी नहीं लग रही क्या? कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर रहा है यार, मेरे को देना यार मैं तो पीऊंगा। नहीं लेडीज फर्स्ट। कुछ तो फायदा हो। लोग कहीं ये तो नहीं बोलने वाले कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वीडियो बनाते हैं भाई, फूड व्लॉग के अंदर ना ये भी आता है, सब कुछ आता है ठीक है। ये भी बहुत अच्छी आई है, पिक्स जरूर ले लेना ना, इंस्टाग्राम के लिए बड़ी जरूरी होती है। लोग वीडियो कहते हैं अरे लंबी वीडियो हो गई, हम तो इंस्टाग्राम की पिक्स देखेंगे। भाई यार ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो कलर मतलब काफ़ी डार्क आ रहा है, बाकी कटे कटे पीस हैं, मेरे को नहीं पता कटे पीस क्यों हैं ये, बाकी खा के देखेंगे। लेकिन हाँ क्वांटिटी शिल्पा काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्वांटिटी सही है, हाफ प्लेट है फुल प्लेट है, फुल प्लेट के हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी अच्छी। और अगर इनके स्प्रिंग रोल जो सबसे फेमस है इनका साइज, हाँ ये मिनी डोसा जैसा होगा, इसका साइज देखो एक बार, पर्सनल नाम है ये मिनी डोसा। शिल्पा सच्ची में साइज इनका बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है ना। चलो ट्राई करते हैं यार फटाफट से इनको, हम टेस्ट करने वाले हैं। मैं पास्ता ट्राई करूँगी पहले और मैं स्प्रिंग रोल। यार स्प्रिंग रोल सच में बड़े मस्त लग रहे हैं मेरे को, साइज इनका सच में काफी अच्छा है, काफी अच्छा साइज है। अभी तक तो मुझे साइज के हिसाब से ही अच्छे लग रहे हैं और पास्ता तो खैर ऑल टाइम फेवरेट कह ही सकते हैं मेरे लिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं पहले लड़की को स्टार्ट करने देते हैं, लेडीज फर्स्ट। हमेशा नहीं होता ऐसा। कैसे लगे शिल्पा? गरम खा लिया यार मैंने, एक तो गलती से। चलो मेरा तो शायद ज़्यादा गरम नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा ज़्यादा गरम नहीं है बट हाँ यार टेस्ट है इसका। मुझे
पास्ता का टेस्ट ठीक है, मैक्रोनी जैसा टेस्ट आ रहा है एकदम। आप घर पर जो नॉर्मल मैक्रोनी बनाओगे वही टेस्ट आ रहा है मुझे, इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा है। ठीक है मैं एक बाइट और लेता हूँ इसकी। इन्होंने सॉस भी दिए, वो नॉर्मल सॉस है, चिली सॉस नहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ, इनके पास मोमोज वाली सॉस भी होगी आई थिंक, उसके साथ ये ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी इन्होंने सैलेड के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा प्याज और ये बंद गोभी वगैरह दे रखी है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको खा के देखते हैं। अगर आपको पास्ता का ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो बढ़िया है, वरना सब कुछ नॉर्मल है इसमें, मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा है। टेस्ट भी एकदम नॉर्मल है और ठीक है, जो बीच में डाला हुआ है प्याज शिमला मिर्च सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अपेक्टिव है। अच्छा यार मेरे को मज़ा आया, मतलब मैंने स्प्रिंग रोल काफ़ी जगह पे खाए हैं बट जैसा इनका नाम सुना था मैंने कि स्प्रिंग रोल अच्छे हैं, मेरे को सच में अच्छे लगे। बाकी शिल्पा करी भी देख, शिल्पा को कैसे लगने वाले? स्प्रिंग रोल है तो चिली सॉस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक काम करते हैं तो नहीं हो रही, फटाफट से चिली सॉस लेके आ जाते हैं है ना, मेरे हिसाब से भैया को मना नहीं करना चाहिए, लेके आते चिली सॉस। इसको ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं, आग निकल जाएगी भाई आग। कैसा लगा शिल्पा आपको? शिल्पा कह रही बड़ी जल्दी पूछ रहे थे, अब तो खाने भी नहीं देते आप। स्प्रिंग रोल अच्छा है। अच्छा स्प्रिंग रोल, ये वैसे काफ़ी गर्म है यार, मैं स्प्रिंग रोल लग रहा है, ठंडों में आओ तो आप इससे काफ़ी देर तक तो हाथ सेक सकते हो है ना शिल्पा, सच में बहुत गर्म है, पता नहीं इसने कैसे खा लिया गर्म गर्म, मुझे पता नहीं था। फटाफट से मैं भी ट्राई करता हूँ यार इनको। एक तो शिल्पा ने काफ़ी ज़्यादा उठा लिए थे एक साथ में, मुझे लगता है ये हमेशा ना पैसे वसूल करने के चक्कर में रहती है। ऐसा कभी देख, ये मेरे को सच में नहीं पता चला ये सारे कटे हुए क्यों हैं, इनका कोई स्पेशल रीज़न है या आई डोंट नो, बट हाँ ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। जैसे कि शिल्पा ने कहा कि ये ना काफ़ी हद तक मैक्रोनी जैसे टेस्ट आ रहा है, लग नहीं रहा है कि पास्ता होता है, क्योंकि पास्ता के अंदर ना अच्छे से क्रीम वगैरह डाली जाती है, चीज़ डाली जाती है, मेयोनीज होती है थोड़ी, बट ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से लग रहे हैं मेरे को। बट यार पैसे दिए ना सारा ख़त्म करना पड़ेगा पता है। ठीक है मैं स्प्रिंग रोल ही खाने वाली हूँ फिर, अब मैंने रेटा भी गंदा हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है। इसकी वीडियो ज़रूर बनानी यार खाते हुए, ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों गिर जाती हैं मुझसे। ठीक है यार आप लोग अच्छे से खा लेना। और ये पिट्ठी बनाते हुए शिल्पा और कमेंट्री करते हुए और कमेंट्री मेरे द्वारा नहीं यार, ज्यादा क्लोजअप शॉट मत लो भाई। वैसे यार ये तो है कि खाना खाने के लिए हम बाहर आते हैं तो इसके चक्कर में थोड़ी सी एक आउटिंग हो जाती है, कोविड की वजह से काफी टाइम से घर पे पड़े पड़े ना बोर बोर से फील होने लगे थे, एटलीस्ट बाहर तो निकले यार। ठीक है और अभी के लिए मौसम भी ठीक हो रहा है, भले मैंने आंखें ऐसी कर ली पर अच्छा है मौसम। कोविड की वजह से यहाँ पे बैठने के या खड़े होके खाने की जगह तो नहीं है, इसलिए कार पे खाना पड़ रहा है। यार पास्ता की क्वांटिटी सच में इतनी ज्यादा है, हम खाते खाते थक गए बट ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं। हाँ देखो अभी भी इतना बचा हुआ है, तो अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से आते हो तो यहाँ पे परफेक्ट 120 रुपीज का पास्ता है, और आपको ना वैल्यू फॉर मनी है क्वांटिटी के मामले में। क्वालिटी के मामले में बोलोगे तो मैं कहूँगा भाई स्प्रिंग रोल खाना, 100 रुपीज़ के स्प्रिंग रोल है बट वाकई में अच्छे। चलिए फिर वापस एक और फिर से सेम बात, लाइक करिए शेयर करिए और मन करे तो कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब तो करना ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यार अगर आप लोगों को हमारी वीडियो सच में अच्छी लगती है, आप चाहते हैं हम और वीडियोज बनाएं और जगह को एक्सप्लोर करें, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा।